हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड इन माई क्लास अगेन। आज के लेक्चर में अपन देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ठीक है, लेक्चर नंबर 4, जिसमें अपन बात करेंगे पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। पिछले लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 3.3 करा रहे थे। क्या करा रहे थे स्टूडेंट्स? एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें अपन ने दो क्वेश्चन देखे थे, पहला एंड दूसरा, ठीक है। दो क्वेश्चन अपन ने देखे थे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके, ठीक है, इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कि एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने अपने पिछले लेक्चर में सिखाया, आपको समझ में आया, आपको आपने क्वेश्चन किए थे ना? हाँ, आई होप आपने किए होंगे, अच्छे से बढ़िया से आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, वही काम करना था हमको, और साथ ही साथ हमको थर्ड इक्वेशन भी उसमें दी हुई थी। दो पेयर दिए थे इक्वेशन के, ठीक है, उसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, एंड एक इक्वेशन आपको और दी हुई थी, शायद मुझे याद है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ये वाली इक्वेशन दी थी, यहाँ से आपको m की वैल्यू निकालनी थी। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। अब आज के इस लेक्चर में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 पूरी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए, इसके आगे थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या करने हैं, बनाने हैं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये तो आप पहले से करते चले आ रहे हैं, आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बड़े आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, तो आप पहले से ही ये सारी चीज़ें करते हुए चले आ रहे हैं, इक्वेशन बनाते हुए चले आ रहे हैं, तो इक्वेशन बनाने के तरीका सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आप पहले से करते चले आ रहे हैं, शुरुआत से करते चले आ रहे हैं, ठीक है। बस आपको उसमें चेंजेस क्या करने हैं, जो आप सॉल्यूशन निकालते थे पहले, किस मेथड से सॉल्यूशन निकालते थे, आप डब्बा बनाते थे, ग्राफ बनाते थे, ग्राफ के बेसिस पे आप एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करते थे। लेकिन अब क्या करना है आपको, अब जो हमने सिखाया था आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने प्रीवियस लेक्चर में, उस मेथड का यूज़ करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इससे पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है। बात समझ में आती है? चलिए, तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में आपको यही करना है। चलिए, फर्स्ट हम देखते हैं, लैंग्वेज आपको दी हुई है, तो एक क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट आपसे बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। आपसे बोल रहा है कोई दो नंबर हैं जिनका डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अदर, ठीक है, फाइंड देम। आपको क्या बता रहा है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम 26 है, एंड पहला नंबर क्या है, 1/3 है ना, यही तो बोल रहा है आपसे, बोल रहा है, हाँ, 3 times बोल रहा है, वन नंबर इज 3 times द अदर, यानी पहला नंबर दूसरे नंबर का कितना है, तिगुना है, हम या फिर बोल सकते हैं 3 times है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से पहली इक्वेशन क्या बनेगी, आपसे बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस हम सबसे पहले नंबर सपोज करेंगे, हम क्या करेंगे, लेट अ नंबर, लेट फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर अपन क्या सपोज करेंगे, फर्स्ट नंबर हमने सपोज कर लिया कि पहला नंबर हमारे पास x था, एंड सेकेंड नंबर हमने सपोज कर लिया, दूसरा नंबर हमारे पास क्या था, दूसरा नंबर हमारे पास y था, इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया है, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको 26 दिया। आपको बोला पहले नंबर का और दूसरे नंबर का डिफरेंस कितना है, 26। यहाँ से एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, सिंपल सा, बस आप अगर लैंग्वेज समझ गए क्या बोल रहा है, तो आप आराम से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। चलिए, नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे नंबर क्या क्या है, 3 times है, यानी मैंने बोला पहला नंबर एक्स है, वो दूसरे नंबर का क्या है, 3 times है, तो हमको क्या बनानी है, इक्वेशन। इक्वेशन बनाने के लिए इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा। अब हमसे बोला पहला नंबर 3 times है, पहला नंबर क्या है, 3 times है, किसका, दूसरे नंबर का, तो हमने क्या लगा रखा है यहाँ पे, इक्वल टू का साइन। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसको भी 3 times करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा पहला नंबर तो पहले से 3 times है, इसको 3 times करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी जो सेकेंड इक्वेशन अपन के पास बनेगी वो क्या बनेगी, एक्स इज इक्वल टू 3y, यानी हम लोग डायरेक्ट यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए डायरेक्ट अपन यहाँ से लिख सकते हैं
एक्स इज इक्वल टू, यानी पहला नंबर इज इक्वल टू 3 times ऑफ दूसरा नंबर, ये हमारी क्या बन गई, दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमको क्या करना है, सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बहुत ही आराम से फाइंड कर लेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड आप जानते हैं, एक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और दूसरे में रख देंगे। तो यहाँ से आप देखिए इक्वेशन सेकंड में आपको साफ साफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, किसके टर्म में, वाई के टर्म में। तो आपको एक्स की वैल्यू दी है, इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आपको वाई की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर वाई की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करिए, चाहे फर्स्ट में या फिर सेकंड में, आपको क्या मिल जाएगी, वहाँ से एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आप इक्वेशन भी बना लिए हैं और सॉल्यूशन भी फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ पर हमको क्या करना है, हम बोलेंगे पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन फर्स्ट। हमने क्या किया, सेकंड इक्वेशन की वैल्यू फर्स्ट में पुट की, तो जब इसको फर्स्ट में पुट किया यानी एक्स की जगह पर 3y पुट किया, तो हमने बोला एक्स की जगह पर क्या है, 3y माइनस का वाई इज इक्वल टू में 26, ये बनेगा जब आप इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ से फिर 3y में से y जाता है तो 2y बचता है, इज इक्वल टू में 26 आ जाता है। अब y इज इक्वल टू में जब ये मल्टीप्लाई में है तो बॉर्डर के उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी ये ऐसे। अब देखिए 2 से 26 शहीद हो जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 13 बार में, बात समझ में आती है। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, 13 आ गई, एकदम अच्छे से समझ में आया। ये वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दीजिए चाहे इसमें पुट कर दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसमें पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है 39 आएगी, इसमें भी पुट करेंगे तब भी 39 आएगी, ऐसा नहीं होगा कि किसी इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। इसी वजह से मैंने बोला कि किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, वैल्यू क्या आएगी, सेम होगी, बात समझ में आती है। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं अपन, जब y की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे या फिर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते, तो हम लिख देंगे पुट इन फर्स्ट। जब अपन फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, x माइनस वाई की वैल्यू है 13 इज इक्वल टू में हो जाएगा 26, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 26 प्लस 13, यहाँ से हो जाएगा आपका 639 और यहाँ से 213, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 39। ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का आंसर, बात समझ में आती है। इसी तरीके से आपको सेकंड दिया हुआ है, मैं बोलूँगा आपको करना है, साथ ही साथ मैं भी करते चलूँगा, बात समझ में आती है। जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोर्ड पे करेगा, जिसको आए वो क्या करेगा, इस क्वेश्चन को नोट करेगा और हमारे साथ फटाफट करता चलेगा, कमेंट में आंसर देगा, ठीक है, बात समझ में आती है। चलिए फटाक से बताइए, सेकेंड क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको नोट कर लिया, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोला द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 degrees, ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका दो सब द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 degrees, फाइंड देम। आपसे बोल रहा है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो आप जानते हैं कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है, हमको पता है सप्लीमेंट्री एंगल हम किन्हें कहते हैं, अगर दो एंगल का सम बराबर होता है 180 degrees के, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। आपसे बोला दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें से आपको क्या बोल रहा है कि जब लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल से स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल को जब क्या कराया जाता है, एक्सीड कराया जाता है यानी सब्ट्रैक्ट कराया जाता है, तो जो हमारा डिफरेंस आता है वो कितना आता है, 18 निकल के आता है, कितना आता है, 18 निकल के आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमको फर्स्ट इक्वेशन तो यहीं से मिल गई कि सप्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या, कौन से एंगल कहलाते हैं जिनका सम 180 degrees होता है, तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिल गई। दूसरी क्या बोल रहा, जो लार्जर एंगल है, हमने मान लिया कि यहाँ पर जो लार्जर एंगल, पहला यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे, लार्जर एंगल एक्स एंड स्मॉलर एंगल वाई, ये हमने एंगल सपोज कर लिए, ठीक है, स्मॉलर एंगल हमने क्या सपोज कर लिया, वाई। तो लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल, यानी लार्जर एंगल से जब स्मॉलर एंगल को एक्सीड किया जाता है तो जो आंसर आता है वो कितना आता है, 18 आता है। तो यहाँ से हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये हमने दो एंगल मान रखे हैं एक्स एंड वाई।
यहाँ से दोनों इक्वेशन बन गई। अब हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके क्या करना है, इनको इनकी वैल्यू फाइंड करनी। तो आप लोग कर सकते हैं आराम से फाइंड। चलिए हमारे साथ साथ करिए और फटाफट जिसका हो रहा है वो फटाफट कमेंट में आंसर बताता जाएगा हमको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन सेकंड से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 18 प्लस में वाई, ठीक है। इक्वेशन सेकंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। यहाँ से आप लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ से x की वैल्यू आपने निकाली, अब इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 18 प्लस वाई प्लस का वाई इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2y प्लस में 18 इज इक्वल टू 180। अब आपको पता है वेरिएबल एक साइड होता है, कांस्टेंट एक साइड होता है, तो 2y इज इक्वल टू में आप लिख सकते हैं 180 माइनस का 18। ये आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस का 18 इक्वल टू में 2y। अब यहाँ से जब ये इसको सब्ट्रैक्ट आप करेंगे, 180 में से 18 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए कितना आता है, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना आएगा, 170, मतलब कि जब 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 170 हो जाएगा, और उसमें से 8 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 162, ठीक है। यहाँ से 162 आ गया, यानी y की वैल्यू जब आप सब यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ आ जाएगी 162 अपॉन में 2, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट इसको डिवाइड कीजिए, जब शहीद करेंगे तो 28 जा 16 होता है, 21 जा 2 होता है, यानी वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 81। यहाँ से y की वैल्यू 81 निकल के आ गई। अब इस वैल्यू को आप कहीं पे भी पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, पुट इन इक्वेशन सेकंड। जब आप सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो x माइनस का 81 इज इक्वल टू 180 होगा, सॉरी 18 होगा, यहाँ पे सेकंड में पुट कर रहे हैं ना, तो 18 होगा। अब यहाँ से जब x इज इक्वल टू में इसको इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी 18 प्लस 81, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 80 और 190 और 819, यानी कि आ जाएगा 99। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 99। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से। चलिए तो इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, इसको आप लोग नोट करिए, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो आप करिए फटाक से, ठीक है। मैं 2 सेकंड का समय दूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। वीडियो में मज़ा आ रही है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, और नए हैं तो आगे वाली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, आप लोग साथ में करते रहिएगा, अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 bat and 6 ball इन 3800 रुपीज़, यानी कि 3800 रुपीज़ में एक कोच कितने बैट खरीदता है, 7 bat and 6 ball, ठीक है, वो क्या करता है, बाय करता है। नेक्स्ट आपसे क्या बोला, लेटर सी बस 3 bat and 5 balls, यानी कि बाद में वो 3 bat and 5 ball, ठीक है, खरीदता है कितने रुपए में, 1750 रुपीज़ में, ठीक है। पहले ये इतने रुपए में इतने बॉल और बैट खरीदता है, बाद में ये इतने रुपए में इतने बैट एंड बॉल खरीदता है। तो आपसे बोल क्या रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल, आपको क्या करना है, एक बैट और बॉल की क्या करनी है, आपको कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। अगर 7 bat and 6 ball की कीमत इतनी है, 3 bat and 5 ball की कीमत इतनी है, तो आप एक बॉल की कीमत नहीं निकाल सकते, बहुत ही आराम से निकाल सकते, क्योंकि आपको इक्वेशन बनाना आ गया है भाई साहब। हम क्या सपोज कर लेंगे, ठीक है, लेट हम लोग करेंगे कि एक बॉल की कॉस्ट, ठीक है, तो नंबर ऑफ, सॉरी, कॉस्ट ऑफ वन बैट की कॉस्ट अपन ने मान ली कितनी, एक्स, वन बैट की कॉस्ट अपन ने क्या मान ली, एक्स, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल की कॉस्ट अपन ने क्या मान ली, वाई। इस तरीके से सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे
कि अगर 7 bat and 6 ball इतने रुपए में ख़रीदता है, 3 bat and 5 ball इतने रुपए में ख़रीदता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा। हमने मान लिया कि 1 bat की कॉस्ट x है एंड 1 ball की कॉस्ट y है, तो हमने बोला 7 bat ख़रीदा, कितने 7 bat। तो अगर 1 ball की कॉस्ट x है, ठीक है, सॉरी 1 bat की कॉस्ट x है, तो 7 bat की कॉस्ट कितनी होगी, 7x, ठीक है। अगर 1 ball की कॉस्ट y है, तो 6 ball की कॉस्ट कितनी होगी, 6y। यहाँ से हम बोलेंगे 7x मतलब 7 ball एंड 7 bat and 6 ball उसने ख़रीदा है कितने रुपए में, 3800 रुपए में। यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म हुई कि नहीं फॉर्म हुई भैया। अगर एक बॉल, मैं फिर से बोला, मैं अगर एक बैट की कॉस्ट कितनी है x रुपीज़ एंड एक बॉल की कॉस्ट अगर y रुपीज़ है, तो 7 bat की कॉस्ट 7x रुपीज़ और 6 ball की कॉस्ट 6y रुपीज़, टोटल कॉस्ट कितनी है, 3800। नेक्स्ट हमसे सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, बाद में उसने क्या किया, इतने रुपए में इतने बैट एंड इतने बॉल ख़रीदा, तो मैंने बोला एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़, तो 3 bat की कॉस्ट 3x प्लस एक बॉल की कॉस्ट y रुपी, तो हम बोलेंगे 5 ball की कॉस्ट, तो हम बोलेंगे 5y, और ये टोटल इसने कितने में ख़रीदा है, 750 में। ये हमारी कौन सी बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हमको क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, तो आप क्या करेंगे भाई साहब, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फटाक से सॉल्व करके हमको बताएंगे क्या आंसर आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लीजिए इक्वेशन सेकंड से, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब आपको क्या करना पड़ेगा भैया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं 2 बता चुका हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अब आप ये थर्ड वाला बताएंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा 1750 माइनस का 5y, ठीक है। तो x यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 1750 माइनस 5y अपॉन में 3। ये वैल्यू आप उठा के रखेंगे किस में, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो इसको जब आप फर्स्ट में पुट करेंगे, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाए, सॉरी किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी, क्योंकि x की जगह पर पुट करेंगे ना, तो पुट इन फर्स्ट, या फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू मिलेगी, वो y की वैल्यू उठा के आप सेकंड में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप करेंगे, क्योंकि मैं कर चुका हूँ। चलिए बढ़ते हैं इसी, ये अभी थर्ड क्वेश्चन में ही चल रहा है, थर्ड क्वेश्चन का मैंने कौन सा पार्ट किया है, थर्ड पार्ट, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट करते हैं, ये वाला तो आप कर लेंगे ना, कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, चलिए, दिक्कत वैसे नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, फोर्थ पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है भाई साहब, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं, मेन यही है, मेन आपसे क्या बोल रहा है, एक टैक्सी है जो सिटी में जब चलती है, तो वो चार्ज क्या करती है, वो बोल रही है कि वो जितना किलोमीटर चलती है, जितनी डिस्टेंस वो कवर करती है, ठीक है, उसका चार्ज लेती है, और उसमें साथ ही साथ उसका एक फिक्स्ड चार्ज है जिसको वो इंक्लूड करती है, जिसको वो क्या करती है, उसी में इंक्लूड करती है। आपसे बोल रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105, यानी आपसे बोल रहा है कि जब वो 10 किलोमीटर कोई पर्सन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसको 105 रुपीज़ देना पड़ेगा। एंड फॉर द जनरल जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो उसको 155 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो आपसे बोल क्या रहा है, वॉट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, आपको बताना है कि फिक्स्ड चार्ज क्या होगा और चार्ज पर किलोमीटर क्या होगा, और आपको साथ ही साथ ये भी बताना है कि अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर चलता है, कितना 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उस पर्सन को कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। बात समझ में आती है, उस पर्सन को कितना चार्ज पे करना पड़ेगा, ये आपसे बोल रहा है। बात समझ में आ रही है, चलिए। तो हमने सबसे पहले हमको सपोज क्या करना है, देखिए हमको पता है कि वो फिक्स्ड चार्ज इंक्लूड कर रहा है, तो हमने सपोज किया, लेट किया कि हम मान लेते हैं कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो किसी पर्सन से फिक्स्ड चार्ज ले रहा है एक्स, मतलब कि कितने भी किलोमीटर चलता है तो उसका फिक्स्ड चार्ज का, मतलब किलोमीटर चलने का अलग है,
और टैक्सी में शायद बैठने का वो ले रहा हो फिक्स्ड चार्ज, उसका एक फिक्स्ड चार्ज है वो तो वो लेगा ही लेगा, बाकी जितनी डिस्टेंस चलोगे उसका तो वो अलग से लेगा। बात समझ में आ रही? तो आपको फिक्स्ड चार्ज एंड पर किलोमीटर वो कितना चार्ज ले रहा है ये आपको क्या करना है बताना है। और अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं फिक्स्ड चार्ज जो वो ले रहा है वो कितना है, एक्स है, ठीक है। एंड पर किलोमीटर का जो चार्ज है, पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो अपन सपोज कर ले रहे हैं कितना ले रहा है, वो वाई ले रहा है। आपसे बोला पहला 10 किलोमीटर चलता है तो कितना रुपए लेता है, 105 रुपए लेता है इंक्लूडिंग फिक्स्ड चार्ज। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब अगर वो 10 किलोमीटर चल रहा है तो पर किलोमीटर का हमने बोला कि पर किलोमीटर पे वो चार्ज जो लेता है वो वाई लेता है, तो 10 किलोमीटर पे कितना लेगा, 10y लेगा। और 10y का वो कितना ले रहा है, 105 रुपए ले रहा है। लेकिन भाई साहब एक चीज़ तो अभी भूल गए ना, क्या भूल गए कि भाई इसमें इंक्लूड कर रहा है कौन सा, फिक्स्ड चार्ज। यानी फिक्स्ड चार्ज इंक्लूड करके 10 किलोमीटर और चल के वो कितनी डिस्टेंस, मतलब कितना चार्ज आपसे ले रहा है, इतना चार्ज ले रहा है। x क्या है, फिक्स्ड चार्ज। y क्या है, जितनी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर रहे हो वो वाला चार्ज आपसे ले रहा है, कितना रुपये, 105 रुपये। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। दूसरी इक्वेशन आपसे कैसे बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन आपसे बोला 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये लेता है, कितने, 155 रुपीस लेता है। तो भाई साहब अगर पर किलोमीटर का आपने y रखा, यानी एक किलोमीटर का अगर चार्ज आपने y रखा है तो 15 किलोमीटर का कितना हो गया, 15y, ठीक है। और वो उसमें फिक्स्ड चार्ज इंक्लूड करके आपसे कितने रुपए लेता है, 155 रुपीस लेता है, कितने, 155 रुपीस लेता है। तो ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है भाई साहब, दो इक्वेशन बन गई, आपको यहाँ से निकालनी है फिक्स्ड चार्ज की वैल्यू एंड पर किलोमीटर चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज की वैल्यू है x, पर किलोमीटर चार्ज की वैल्यू है y। ऐसे फिक्स्ड चार्ज की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है। आप इस इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम बोलेंगे यहाँ से देखिएगा, हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम जब सेकंड इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से आ जाएगी 155 माइनस का 15y, ये आ जाएगी, ठीक है। इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, जब फर्स्ट इक्वेशन में अपन पुट करेंगे तो देखिए क्या आंसर आता है। x की जगह पुट करेंगे 155 माइनस 15y प्लस का 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। तो यहाँ से 15 और 10, 10 में से 15 जाएगा, मतलब 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा जल्दी से बताइए, 5 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो माइनस का 5y इज इक्वल टू में यहाँ से कितना आ जाएगा, 105, और कांस्टेंट टर्म 155 को जब इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 155 हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना, 155 में से 105 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका 50, ठीक है, वो भी माइनस का 50। तो माइनस का 5y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 50, ये माइनस का माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इक्वल का साइन है, देन y इज इक्वल टू में आ जाएगा 50 अपॉन में 5। तो यहाँ से जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 10 रुपीस। यानी कि पर किलोमीटर का जो वो चार्ज कर रहा है, अगर आप एक किलोमीटर चलते हो तो उसका चार्ज जो वो ले रहा है वो कितना ले रहा है, 10 रुपी ले रहा है। यानी पर किलोमीटर का चार्ज तो वो 10 रुपी ले रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई, साथ साथ करते चलिए। उसके बाद जो फिक्स्ड चार्ज है, अब फिक्स्ड चार्ज की हमको वैल्यू कैसे निकलेगी, किसी भी इक्वेशन में इसकी वैल्यू आप रख दीजिए। हमने इसको क्या कर दिया, वाई में ही रख दी, फर्स्ट में ही रख दिया। तो हमने बोला पुट इन फर्स्ट, जब इसकी वैल्यू आप फर्स्ट में पुट करोगे तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो एक्स इंटू एक्स प्लस 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 10 100 हो जाएगा, और इधर जाएंगे, ठीक है, तो 105। अब x की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो 105 माइनस का 100 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 रुपीस। यानी कि वो 5 रुपीस फिक्स्ड इंक्लूड करके, 5 रुपीस फिक्स्ड इंक्लूड करके जो आपको 10 किलोमीटर डिस्टेंस चल रहा है उसका 105 रुपए ले रहा है। यानी कि आप ऐसे कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, अगर आपको फिक्स्ड चार्ज पता होता तो आप बोलते कि अगर 10 किलोमीटर पर, मतलब कि 10 रुपए पर किलोमीटर का ले रहा है, ठीक है, तो 10 किलोमीटर का 100 रुपए हो गया। बात समझ में आ रही है? और फिक्स्ड चार्ज उसने कितना लिया होगा, इसका मतलब 5 रुपए लिया होगा। इस तरीके से आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज कितना निकल आया, 5 रुपीज़।
एंड पर किलोमीटर का चार्ज कितना निकल आया, 10 रुपीज़। इतनी बात समझ में आई। अब बोला 25 किलोमीटर कोई पर्सन चलता है तो उससे कितना टोटल रुपी लिया जाएगा, तो हमने बोला फिक्स्ड चार्ज उसमें इंक्लूड होगा, पर किलोमीटर का वाई रुपीज़ है तो प्लस का 25y होगा, ठीक है, उससे कितना चार्ज लिया जाएगा, तो हम बोलेंगे x की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है, प्लस का 25 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 250 और प्लस 5, तो यहाँ से आपको जो वो टोटल रुपीज़ लेगा उस पर्सन से वो कितना लेगा, 255 रुपये लेगा 25 किलोमीटर चलने के। बात समझ में आती है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, लैंग्वेज समझ गए तो आराम से कर सकते हैं। बात समझ में आती है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा आता है इनको लगाने में, और ये हाँ हर बार 2 से 3 नंबर में हर बार पूछे जाते हैं। बात समझ में आती है, चलिए नोट करिए इसको, फिर बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या बोल रहा है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला आप करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगी करने में, ठीक है। इसमें 6 पार्ट हैं टोटल और 6 के 6 पार्ट हम कराएंगे। बात समझते हैं आप, चलिए फिफ्थ पार्ट आपसे बोल रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 एडेड बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 3 इज एडेड टू बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इट्स बिकम 5/6, फाइंड फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन फाइंड करना है, आपसे बोल रहा कोई फ्रैक्शन है, ठीक है, ठीक है, चलिए तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आप फ्रैक्शन बिकम, यानी जो फ्रैक्शन है, ठीक है, आपसे बोला फ्रैक्शन हमको मिलता है 9/11, ठीक है, कितना मिलता है 9/11 मिलता है यदि हम किसी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं। अगर हम किसी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं, ठीक है, तो जो हमको फ्रैक्शन मिलता है वो 5/6 मिलता है, तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है, ये आपसे बोल रहा है। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं, हम फ्रैक्शन सपोज कर लेते हैं, हमने क्या फ्रैक्शन सपोज किया, हम यहाँ पे लेट करेंगे, लेट फ्रैक्शन x/y, हमने x/y को फ्रैक्शन सपोज कर लिया, हमने बोला इस फ्रैक्शन में जब हम क्या कहते हैं फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या बोल रहा है, इस फ्रैक्शन के नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में जब हम दोनों में क्या करते हैं प्लस 2 ऐड करते हैं, तो जो हमको फ्रैक्शन मिलता है वो 9/11 मिलता है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। सेकंड आपको इक्वेशन बनानी है, तो आपसे क्या बोला, जब हम इसी फ्रैक्शन में यानी x/y में के नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हैं, तो जो फ्रैक्शन मिलता है वो क्या मिलता है 5/6 मिलता है, ठीक है, ये आपकी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन क्या बना, x+2 y+2 इज इक्वल टू में 9/11। अब आपको एक कॉन्सेप्ट आता होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाइए, आराम से आंसर पाइए, ठीक है, चलिए देखिए कैसे लगाएंगे। x+2, अब यहाँ पे देखिए हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, इसका इससे एंड इसका इससे, तो 11 का इससे करवाओगे तो 11x प्लस का 22 आएगा इज इक्वल टू में, यहाँ पे इससे करवाओगे तो ये हो जाएगा 9y प्लस का 18, ठीक है, यहाँ से जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू में, यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस का 22, ठीक है, तो 18 माइनस का 22 जब आप करेंगे तो यहाँ से आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आ जाएगा आपका 4, और वो भी आएगा माइनस का 4, कितना आएगा माइनस का 4, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू में माइनस का 4, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सेकंड में जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 6x, ठीक है, माइनस का 18, सॉरी प्लस का 18 आएगा ना, 6x प्लस का 18 इज इक्वल टू में 5y प्लस का 15, ये होगा, होगा कि नहीं होगा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए तो यहाँ से देखिए 6x माइनस 5y इज इक्वल टू में माइनस का 3, ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बन गई। चलिए दोनों इक्वेशन को मैं लिखता हूँ, यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला ये रफ कर दूँ, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ओके। अब देखिए दोनों इक्वेशन जो बनी मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस 4, और दूसरी बनी 6x माइनस का 15 इज इक्वल टू माइनस 3, पहली एंड दूसरी,
ये फ्रैक्शन सपोज करने में आया, ठीक है। अब आपसे बोल रहा है आप x एंड y यानी फ्रैक्शन की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो अगर आप x एंड y की वैल्यू निकाल लें तो फ्रैक्शन मिल जाएगा हमको। तो यहाँ से देखिए किसी एक की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने बोला कि हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 6x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 3 प्लस का 15y, माइनस का 3 प्लस का 15y, तो x इज इक्वल टू में हो जाएगा 15y माइनस का 3 अपॉन में 6। ये वैल्यू उठा के आप कहाँ रखेंगे, किसी इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। तो यहाँ हम बोलेंगे 11 और यहाँ पे बोलेंगे 15y माइनस का 3 अपॉन में 6 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस 4, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 15y माइनस का 33 अपॉन में 6 माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन नहीं करूँगा क्योंकि कैलकुलेशन आपको करना होगा, बात समझ में आती है। तो देखिए 11 इंटू 15y, ठीक है, माइनस का 33 माइनस का 9 इंटू 6y इज इक्वल टू माइनस का 4, और ये इंटू में 6 आ जाएगा क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 6 आएगा, इसको मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात आप समझ में आ रहे हैं। अब यहाँ से देखिए 11 फाइव ज़ा 55 का 5 कैरी 1, 11 बन जाए 11 और 5 कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, हाँ 16। तो यहाँ से 165y माइनस का 33 और यहाँ से हो जाएगा 54 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 24, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसमें में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 165 में से जब आप 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 1 एंड यहाँ से कितना आ जाएगा 5 में से 4 गया ये और 6 में से 5 गया ये 111, ठीक है। यानी कि यहाँ से आएगा 111y इज इक्वल टू में तो माइनस का 24 प्लस का 33, तो 33 में से 24 जाएगा, 33 में से 24 जाएगा, तो 13 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा जल्दी बताइए 9, ठीक है। यहाँ से 2 में से 2 जाएगा 0, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 9। तो यहाँ से y इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 9 अपॉन में 111, ये y की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई y की। अब ये y की वैल्यू आप उठा के रखेंगे फर्स्ट में, तो मैंने एक वैल्यू निकाल दी है, आप सेकंड वाली वैल्यू निकाल के किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और उसको आप क्या रख देंगे x अपॉन y के फॉर्म में लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ये वाला आप लोग करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे क्या आ रहा है, बात समझ में आती है। चलिए कैलकुलेशन आप लोग चेक कर लेंगे, ठीक है, बात समझते हैं, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, इसका लास्ट क्वेश्चन, थर्ड का 6th पार्ट, ये 5th था, अब 6th पार्ट देख लेते हैं और आपकी इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। बोला है फ्रॉम ईयर्स हैंस द एज ऑफ जैकोब, ठीक है, जैकोब की एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, यानी कि जैकोब बोल रहा है कि हमारी एज उसके बेटे की एज की 3 टाइम है, ठीक है, एंड 5 ईयर्स अगो, ठीक है, 5 साल पहले नहीं 5 ईयर बाद, यानी कि 5 साल बाद जो मतलब कि जो जैकोब की एज है वो कितनी थी, एगो है, हाँ ठीक है, तो 5 ईयर्स एगो जैकोब जैकोब एज, ठीक है, 7 टाइम्स विद दैट हिज सन, ठीक है, यानी कि जो मतलब कि जैकोब है इसकी एज इसके सन की एज की 5 साल पहले भी इसकी जो एज थी, ठीक है, वो इसके सन की एज की कितनी थी भाई साहब, 7 टाइम्स थी। तो आपको क्या बताना है प्रेजेंट टाइम की एज क्या होगी, तो हमने सपोज कर लिया प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमने सपोज कर लिया कि जो जैकोब है इसकी एज कितनी है, ठीक है, जैकोब, ठीक है, जो जैकोब है इसकी एज कितनी है एक्स, हमने सपोज कर लिया कि प्रेजेंट टाइम में जैकोब की एज कितनी है, यहाँ पे आप लोग पूरा लिखेंगे एज ऑफ जैकोब कितनी है एक्स एंड उसके सन की एज, यानी एज ऑफ जैकोब सन आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, ये हमने सपोज कर लिया वाई। इतनी बात आपको समझ में आती है। तो आपसे क्या बोल रहा है कि 5 साल पहले की बात अगर किया जाए, तो आपसे बोल रहा है 5 साल, 5 ईयर्स हैंस द एज ऑफ, यानी 5 साल पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसकी जो सन की एज थी, ठीक है, सन की एज आपसे बोला 5 ईयर हैंस, ठीक है, तो आपसे बोला 5 साल बाद, ठीक है, 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद प्रेजेंट टाइम में इसकी एक्स है,
और उसकी वाई है, ठीक है। 5 साल बाद आपसे बोल रहा है कि 5 ईयर हैंस जो जैकोब है उसकी एज, ठीक है, उसके सन की एज की 3 टाइम है। यानी हमने बोला जैकोब की एज अगर एक्स है तो उसके सन की एज कितनी है, उसकी 3 टाइम है, ठीक है। यानी कि इसकी एज इसके सन की एज की क्या है, 3 टाइम। तो ये एक्स है, इसकी एज 3 टाइम पहले से, अगर इसको 3 टाइम करना है तो इसको इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी क्या हो गई, किसकी एज हो गई भाई साहब, हाँ ये हो गई 5 साल पहले की बात। लेकिन जब हम 5 साल बाद की बात, लेकिन अगर 5 साल बाद की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, पहला तो हमको कॉन्सेप्ट पता है, जैसे ही अगर हमसे 5 साल पहले या बाद की बात करेगा तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे, तो हम बात करेंगे 5 ईयर ओल्ड, ठीक है, मतलब 5 साल बाद, यानी आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। 5 साल बाद की बात करेगा यानी 5 ईयर्स बाद, अगर 5 साल बाद की ये बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि 5 साल बाद जो जोकैब की एज थी, किसकी, जैकोब की एज, जैकोब की जो एज थी वो उसके सन की एज की कितनी थी, कितनी थी भाई साहब जल्दी बताइए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके एज की 3 टाइम्स थी, ठीक है, 3 गुनी थी। तो 5 साल बाद की जैसे ही बात करेगा आप पहले उसमें 5 ऐड करेंगे, ठीक है, उसके सन की एज में भी क्या करेंगे, 5 ऐड करेंगे। फिर आपसे बोल रहा है कि 3 गुनी थी, किसकी एज, जो कैप की एज उसके सन की एज की, तो 3 गुनी होगी, तो अगर ये पहले से 3 गुनी है, इसको 3 गुनी बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन पता चला कैसे बनी। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, 5 साल कितने साल पहले, 7 साल पहले बोल रहा है ना, एंड 5 ईयर्स अगो, अच्छा 5 साल पहले, ये 5 साल बाद की बात है, एंड 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स एगो। अगर हम लोग 5 साल पहले की बात करें, यहाँ पे 5 ईयर लेटर है, ठीक है, एंड ये 5 ईयर्स एगो है। अगर 5 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि जो जोकैब की एज थी, ठीक है, वो उसकी सन की एज की 7 टाइप थी। लेकिन अगर 5 साल पहले की बात कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, एक्स माइनस 5। जब बाद की बात करेगा तो प्लस करेंगे, एंड पहले की बात करेगा तो माइनस करेंगे। ये आपको याद था ना, ये मैंने पहले भी बताया है, ठीक है। तो एगो की बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे, एक्स माइनस 5, और उसकी सन से भी पहले 5 साल पहले घटा देंगे, ठीक है। कि अगर प्रेजेंट टाइम में एज एक्स है तो 5 साल पहले क्या होगी, एक्स माइनस 5। अगर प्रेजेंट टाइम में उसकी एज वाई है तो 5 साल पहले क्या रही होगी, वाई माइनस 5। लेकिन 5 साल पहले जो इसकी एज थी वो इसकी एज की 7 टाइम्स थी, तो इसको भी 7 टाइम बनाने के लिए हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आंसर पाएंगे। मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको बताए हैं, ठीक है, उसी तरीके से सेम प्रोसेस आपको करना है। आपको मैंने इक्वेशन बना के दे दिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करेंगे। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से, करेंगे और साथ ही साथ हमको कमेंट में करके बताएंगे भी कि ये आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हुआ है कि नहीं, और क्या क्या आंसर आया है। बात समझ में आती है, कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है, ठीक है। चलिए, तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, अपनी नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।